हेलो फ्रेंड्स, पारविक वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टाटा नैनो का यूज़र रिव्यू देने जा रहा हूं। तो ये लगभग 5 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं। काफ़ी अच्छी गाड़ी है देखने में भी, और इसको आप कहीं भी लेके जाओ तो काफ़ी कम स्पेस चाहिए इसको। छोटी छोटी इवन रोड्स आप ले जा सकते हो। टर्निंग रेडियस भी काफ़ी कम है गाड़ी का। बहुत ही सुंदर देखने में, देखिए साइड से, अंदर से इसमें एसी है। देखिए एसी वेंट्स, ये देखिए इसके ग्लो बॉक्स, ये नीचे काफ़ी स्पेशियस है। अंदर से भी स्पेशियस है, 4 सीटर है लेकिन 5 लोग हम लोग आराम से बैठ जाते हैं इसमें। और पावर की भी कोई कमी इसमें नहीं है। 624 सीसी का इंजन है इसमें, 37 bhp की पावर और 51 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये देखिए इसका जो है स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक्स के स्टीयरिंग व्हील है इसका। देखने में डैशबोर्ड देखिए कितना सुंदर है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है कंपनी ने इसको। काफ़ी स्पेशियस है अंदर से। देखिए पीछे वाली सीट्स, हालांकि थोड़ा बूट स्पेस कम है, 80 लीटर्स का है लेकिन सफिशिएंट है। काफ़ी सुंदर है। देखिए ये आगे से कुछ ऐसा कंपनी ने इसमें ये रिज़र्व टायर एक दिया है, काफ़ी अच्छी जगह एडजस्ट किया हुआ है इसको, क्योंकि इंजन इस गाड़ी का पीछे है, रियर व्हील ड्राइव है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, 180 mm का, तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी रोड पे, खड्डे वड्डे सब ये आराम से निकल जाती है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है। देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रात को कुछ ऐसा दिखता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों। ये म्यूज़िक सिस्टम जो है मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। ये देखिए कुछ इस तरह से 12 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स हैं। टॉप स्पीड 105 की है और माइलेज भी काफ़ी अच्छी दे रही है, 20 से ऊपर ही दे रही है कंपनी, तो 25 की देती है। बैटरी भी अभी तक मैंने इसको 5 सालों में एक भी बार चेंज नहीं किया है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है।